उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने बनाया ऐसा गेम प्लान। गठबंधन की घेराबंदी करने में जुट गए भाजपा। दो लड़कों की जोड़ी क्या कर पाएगी उपचुनाव में कमाल? क्या बसपा ने भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ठोक दी है चुनावी ताल? उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लिहाजा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अलावा सपा, बसपा और कांग्रेस ने भी उपचुनावों की तैयारियों को लेकर संगठन को और ज्यादा मथना शुरू कर दिया है। जबकि नगीना लोकसभा से चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर रावण भी ताल ठोकने को बेकरार है। हालांकि AIMIM की खामोशी बरकरार है। नजरें लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को डैमेज करने वाले दो लड़कों पर टिकी है। माना जा रहा है कि यूपी की 10 सीटों में से कांग्रेस 4 सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है, क्योंकि उसने लोकसभा के नतीजों के बाद से ही इन सीटों पर तैयारियां करना शुरू कर दिया था। जबकि सपा अपने कब्जे में रही 5 विधानसभा सीटों पर जीत को बरकरार रखना चाहेगी, इसलिए अखिलेश यादव ने हाल ही में संगठन की बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दे दिया। लेकिन इन सब के बीच यूपी की लोकसभा सीटों पर 33 के आंकड़े पर रुकी भाजपा ने न केवल हार की समीक्षा की, बल्कि उपचुनाव को लेकर तैयारियों को भी गति देने का काम किया। दरअसल लोकसभा के नतीजों में दलित वोट बैंक के खिसकने से भाजपा खेमे में बेचैनी इस कदर बढ़ गई और इसको लेकर भाजपा ने पार्टी के अनुसूचित वर्ग के नेताओं से बातचीत की। दरअसल पीएम मोदी और सीएम योगी के दलितों को लेकर तमाम काम करने के बाद भी उसका फायदा नहीं मिल पाया, जबकि विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को लेकर एक नैरेटिव सेट कर दिया। अब उपचुनाव में उसकी काट करने के लिए सीएम योगी ने उपचुनावों में गठबंधन को साफ करने का भी गेम प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल समीक्षा बैठक के दौरान राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से दलित वोटर्स के मिजाज को भांपने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा गेम प्लान तैयार किया है कि गठबंधन के संविधान और आरक्षण के नैरेटिव के नेटवर्क को तोड़ा जा सके, और इसके लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके बड़े नेताओं ने दलितों के घर पर दस्तक देने के अभियान की शुरुआत करने की रणनीति तैयार कर ली है। उनकी परेशानियों को वो जानेंगे, उनके मन में क्या है उसको समझेंगे और उनके मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उनको केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा दलित वर्ग के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे, ताकि यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में लोकसभा चुनाव के डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। जबकि आमतौर पर उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा ने भी एंट्री मार दी है। यूपी में खोए जनाधार को वापस लाने के लिए बसपा नेता गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे। आपको बता दें कि फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी, कुंद्रकी और सीसामऊ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जबकि आंकड़ों के नजरिए से इनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1-1 सीट पर रालोद और निषाद पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।